हेलो एवरीवन। तो अभी फिर से हो चुकी है हमारी मॉर्निंग और आज लड्डू की दीदी और लड्डू के पापा जाने वाले हैं बुआ के घर। मोस्ट प्रोबेबली मतलब लड्डू भी जा सकता है, हम सोच रहे हैं लड्डू को भी तैयार व्यार कर दे। इधर से इतना लाइट आता है कि अजीब सा हो जाता है मुँह। तो अभी लड्डू और लड्डू की दीदी दोनों तैयार हो रहे हैं, देखते हैं लड्डू जाता है या नहीं जाता है, क्योंकि हम तो तैयार करने के लिए बोले हैं कि जल्दी से तैयार हो जाओ, जाना है बुआ के घर। तो जा गया है नहाने। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं किचन में। अब आगे अब तो रेडी वेडी हो गए हम लोग भी और मस्त सो गए थे आज तो, लेकिन सो के आ गए थे, ठंडा हवा लग रहा था तो कभी ऑन कभी ऑफ, कभी ऑन कभी ऑफ कर रहे थे, पंखा चला रहे थे। तो भाभी को अफना जा रही थी यानी कि उनको ज़्यादा हवा लग जा रहा था, तो उनको सफोकेशन वैसा लग रहा था कि मतलब कोई बांध लिया है, तो इसलिए हम पंखा बंद कर रहे थे। फिर मेरे को लग रहा था कूलिंग ज़्यादा हो गया, तो हम पंखा ऑन करके एसी बंद कर दे रहे थे। तो ऐसा ही कुछ सीन आज चल रहा था पूरे दिन भर। फिलहाल अभी चलते हैं। लड्डू जाओगे बुआ के घर? यस। हाँ जल्दी ला लो, यहाँ कपड़े निकले हुए हैं तुम्हारे। दीदी यहाँ पे रेडी हो चुकी है, हो रही है इनको। जब कैमरा लेके आओ तो मुझे बात नहीं है, जबकि है सबसे सुंदर। यहाँ पे नहीं जाओगे ना, घूमने जाओगे ट्रेन में? सो गाइस फाइनली यहाँ पे चले गए थे मंदिर में और वहाँ पे पूजा किया। हम लोगों का जो मंदिर है ना, वो पहले बाहर था फिर बाद में अंदर हो गया, तो अभी फिलहाल ये यहाँ पे। लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो पीछे से प्राची ताके बोल रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है। तो यहाँ पे मैं लगा रही थी टीका और उसके बाद से फूल वगैरह सब चढ़ा दिया था, तो झटपट से पूजा करके उसके बाद से चली गई किचन में। और बहुत सारे लोग देखना चाहते हैं कि किचन में क्या बनाते हैं क्या नहीं बना रहे हम लोग, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कभी जब हो पाता है कर देती हूँ, लेकिन हम लोग खुद ही किचन में इतना व्यस्त रहते हैं कि उस टाइम कैमरा वैमरा ऑन करने का मन नहीं करता। तो मेरा फोकस तो ये नहीं है कि भाई मैं क्या बना रही हूँ क्या नहीं बना रही, क्योंकि उसमें भी फिर पांच आदमी कमेंट करने लगे हैं कि ऐसा है वैसा है। तो इससे अच्छा है कि हम लोग जो भी खा रहे हैं पी रहे हैं वो हम लोग अपने तक ही रखें, और जब मुझे लगेगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एंड अभी आप लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हैं ससुराल के वीडियोज़ को देख के, तो खूब सारा प्यार बनाए रखिए। और यहाँ पर ऑलमोस्ट टीका वगैरह लगा दिया था और हमारे घर में ऑलरेडी पूजा हो चुका था, पापा जी पूजा किए थे, क्योंकि सबसे पहले सुबह में उठ के पापा जी पूजा कर लेते हैं, उसके बाद से हम लोग अपना सारा किए थे, क्योंकि मेरे को तो तेल वेल लगाना था, उसके बाद से पूजा पाठ किया था। तो जब हम लोग को टाइम मिलता है खाना बनाने के बाद या खाना बनाने के पहले, तो जैसे कि भाभी तो बिना पूजा किए खाती नहीं है, तो यहाँ पर मैं अपने लिए कपड़ा निकाली थी सिलवाने के लिए, लेकिन फिर मेरे को हुआ कि मैं भाभी को दे देती हूँ, क्योंकि मैंने फिर भाभी को पूछा भाभी आपको ये कैसा लग रहा है आप ले लीजिएगा, तो भाभी बोली कि ठीक है मैं ले लूँगी। और बहुत ही सुंदर साड़ी थी, तो पहले तो मैं इसको लाई थी खुद के लिए ही, लेकिन मेरे को लगा कि नहीं भाभी को देना चाहिए और भाभी को अच्छा भी लगेगा, क्योंकि उनको हल्की साड़ियाँ पसंद है और इसका ब्लाउज जो था ना बहुत हैवी था, साड़ी बहुत हल्का था। तो यहाँ पर मैं निकाली थी पहले टेलर को देने के लिए, बट फिर मैंने बोला कि भाभी आप अपना ब्लाउज दे दीजिए उसके नाप से ही सिला जाएगा, ताकि भाभी पहन ले। और ये साड़ी एकदम हल्का सा है, वैसे कलर भी बहुत प्यारा है, तो मैंने यहाँ पे भाभी जला रही हैं दिया, और यहाँ पे लकी आके एकदम थक गई हैं, पूरा अभी लेके गई थी बहुत सारा भारी दो ब्लाउज, और दोनों ब्लाउज को लगता है ये सिल के आई हैं, ऐसे इतना थक के आई है, बहुत ज़्यादा थक गई है बेचारी। कहाँ है मम्मी जबकि इतना सिंपल कलर है ग्रे और डार्क ब्लू। मम्मा ओ ग्रे था। गाइस आप लोग कमेंट कीजिएगा मुझे पार्टी में कौन सा कलर पहनना चाहिए, ग्रे या डार्क ब्लू। मम्मा क्या लगता है आपको क्या कमेंट आएगा? दोनों में से दोनों मिक्स करके। मम्मा तो इनको सोचने देते हैं, फिलहाल मेरी फ्रेंड का कॉल आ गया और कट भी गया, मैं पहले उसको कॉल करती हूं। ब्रश करना है। क्यों बेटा दिन भर आप आइसक्रीम खाओगे फिर अभी आप बोल रहे हो ब्रश करना है? एक इधर लुढ़क रही है, पहले मैं नहीं हम लोग नहीं देगा तुम कॉल पे कुछ। तो गाइस यहाँ आ गया हम लोगों के लिए साड़ी पसंद करने के लिए, और बाकी क्या पसंद करते हैं मेरी छुट्टी भी लटक गई उनको नहलाना है। चलिए यहाँ रख दीजिए। वाह पिंक तो मिल गया यहाँ पे, हमको भी ये अच्छा लग रहा है, इसमें का एकदम बढ़िया सिल्क में पिंक है, दोनों ही अच्छा लग रहा है। सिल्क में जो है ना, एक सिल्क में साड़ी दे रहा है ठीक है ना, इसी में का इसी टाइप में देखिए
कौन पसंद किया है जो वरुण है ना पसंद कोई नहीं ये वाला साड़ी ही तो अभी हम आज भेजे हैं सिलवाने के लिए पकड़ दो ठीक है खोलिए देखो गाइस अनबॉक्सिंग हम कर रहे हैं ये किसके पसंद से है सारा सब वो अपने पसंद से दिए हैं बोले लेकिन कितना प्यारा प्यारा है ये वाला साड़ी देखो किसकी है अभी जस्ट आज एक हम ब्लू साड़ी भेजे हैं और ये कितना प्यारा लग रहा है ये पहन वाह ये भी बहुत प्यारा आप ये लीजिए नहीं वो हमने ले लिया ये हमको अच्छा लगा और तू ले लग बढ़िया लगी तेरा पार्टी में ये पहननी है हाँ ये सिलवा लीजिए अच्छा लग रहा है ये भी सुंदर है पुराना हो गया पुराना ये ना आज इसी में का टाइप का तो हम भेजे हैं टाइप में बाबे गुलाबी में है ना पहले देखो बाबू ये टाइप में बाबे गुलाबी में ये नहीं चाहिए बढ़िया में पूरा एकदम सिल्क में इसमें रेड नहीं है क्या इसमें का रेड जो कलर जो ये भी प्यारा लगा हमको तो ये दो साड़ी पसंद आया जो पसंद है ना उस पे एक मार्क लगा दीजिए मेरा देख सकते हैं शक्ल आप मेरे को पहले ही दो साड़ी पसंद आ गया है तो अर्णा बोल रहे हैं ये वाला मत लीजिए आप कलर थोड़ा सा मिल चाहिए उस पे मार्क लगाइए बढ़िया दिलवा देगा हां दोगो दिलवा दीजिएगा हां ये दोनों इस पे ना स्माइल मैंने ये वाला भी सुंदर लग रहा है अर्णा बोल रहे हैं ये ले लीजिए बट हमको ये वाला अच्छा लग रहा है लेकिन मम्मी आप कोनो मत लीजिए लेकिन भले दो को लीजिए लेकिन एक को यही लीजिए आप कोई ले लीजिए ये वाला तो सुंदर है अच्छा लग रहा है देखने में इसमें का आप भी इसमें कर लीजिए बट ये मेरे पास है हम आपको नहीं दिखाया आज ही वीडियो में हाँ हाँ ये ऐसा ही था रिसेप्शन पे जो हम पहने थे ये जिम्मी चू वाला साड़ी है आजकल चला हुआ इसमें का इसमें पिंक मिल जाएगा उसी में जो चाहिए उसमें मार्क लगाइए रुकिए ना बड़ी सर कपड़ा पहले देखेंगे ये कौन सा मटेरियल है खुलने वाला होगा तो नहीं लेंगे नंबर आएगा तो फिर आ जाएगा 80 रुपए का सुंदर है ऐसा ही मतलब आ रहा है ओए स्केच से कैसे करते हो जी परमानेंट ना है स्केच नहीं करना है ये जामुनी कलर है ना थोड़ा सा तो ठीक है इसमें तो मैं क्या है कलर है बट ये पे स्माइल बनाए तो नहीं गेम मत किया है अरे भाई मत कर दूं रुक जाइए रुक जाइए पहले पसंद करने दीजिए पकड़िए तो अर्णव हाँ आंचल में पूरा होगा मम्मी वही ले लीजिए मस्त है फूलने वाला है ना जो हम लोग बीचों में चला था बहुत सारा हाँ हाँ सिर्फ ये कलर बहुत प्यारा लग रहा है सिर्फ बनारसी टाइप का लग रहा है हाँ। दो ये बनारसी है और ये फैलेगा अरे यार ये प्यारा है पहन सकते हैं तीज वगैरह गाइस ये बनारसी है और ये है ना ये सिल्क है बनारसी नहीं ये सिल्क है देखिए बढ़िया बट ये महंगा होगा कितने का है महंगा तो मतलब ना पापा बोले जो पापा बोले जो लेना है वो लीजिए लो यही साड़ी चल रहा है सो गाइस फाइनली यहाँ पे साड़ी पसंद हो गई थी मुझे दो साड़ी पसंद आई थी और भाभी एक क्योंकि उनको पिंक लेना था और वैसे ये भैया दिलवा रहे थे तो हम तो दो पसंद कर लिए भाई हम इसलिए पसंद किए कि तीज और करवा चौथ में यूज़ हो पाएगा और भाभी अभी एक्चुअली पार्टी वगैरह के लिए देख रही थी और उनको एक्चुअली पिंक कलर लेना था ट्रेंड में है आजकल तो मैंने कौन सी साड़ी ली वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिख जाएगा और भाभी ने कौन सी साड़ी ली आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिख जाएगा और आप लोग बताइएगा कौन सी साड़ी अच्छी है तो इस व्लॉग को रहने देंगे यहीं पे मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में बाय बाय टिल देन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा